नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। ज्यादा बिजली बिल की समस्या सिर्फ आम लोगों को ही नहीं होती है, बल्कि फिल्मी सितारों के बीच भी ये एक सीरियस मुद्दा है। मुंबई में बिजली का अधिक बिल आने से बॉलीवुड स्टार्स काफी परेशान हैं। ट्विटर के जरिए लगातार सेलेब्स इसकी शिकायत कर रहे हैं। इसी बीच जाने माने कलाकार अरशद वारसी ने भी ट्विटर के जरिए बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बिल अगर थोड़ा बहुत बढ़कर आए तो एक बार को आप भी इस बात को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बिल अरशद वारसी के पास आया है उसे सुनकर तो आपको भी 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा। बता दें कि अरशद वारसी का 1 लाख से ज्यादा बिजली बिल आया है। यकीन नहीं हो तो आप खुद अरशद वारसी के इस ट्वीट को देख लीजिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये मेरा बिजली का बिल है जो कि अडानी नाम के हाईवे रोबर्स से मिला है और जो हमारे खर्च पर खूब हंस रहे हैं। अपडेट 1,03,564, 5 जुलाई को मेरे अकाउंट से इतना बिजली बिल कटा है। इस बढ़े हुए बिजली बिल से अरशद को ऐसा शॉक लगा है कि उन्होंने ट्वीट के जरिए बैक टू बैक अपना गुस्सा निकालते हुए अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड पर जमकर हमला बोला। ये बात सभी जानते हैं कि अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए अरशद काफी फेमस हैं, जिसकी झलक आप उनके इस गुस्से से भरे ट्वीट्स में भी देख सकते हैं। बिजली बिल भरने के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बनाई पेंटिंग्स और बाद में किडनी भी बेचनी पड़ेगी। हालांकि अडानी इलेक्ट्रिसिटी की ओर से मिले जवाब में उन्हें इस तरह के मजाक उड़ाने वाले ट्वीट्स को डिलीट करने को कहा गया और ट्वीट में लिखा कि बिल के मसले पर हम आपकी चिंता को समझ सकते हैं और हम यहां आपकी मदद के लिए हैं, लेकिन हम आपकी ओर से निजी तौर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी से नाखुश हैं और आगे आपको सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। बताते चले कि इस मामले को लेकर अरशद वारसी से पहले तापसी पन्नू, रेणुका शाह ने, पुलकित सम्राट जैसे कई सितारों ने अपनी आवाज बुलंद की थी। मामले को बढ़ता देख अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा था कि इस मुद्दे को देखने के लिए मुंबई में 25 हेल्प डेस्क और 8 कस्टमर केयर सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं इन स्टार्स की इस समस्या का हल कब तक निकल पाता है।